शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाइपरलिंक और बुकमार्क, यानी विनवर्ड में हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस का यूज हम कैसे करते हैं। क्लियर है? तो मैं डिफाइन कराऊंगी इसमें कि कैसे हम यूज करते हैं इन सब का। तो यहां से ओपन कर लेते हैं हम विनवर्ड, एंटर, और इसको हम मैक्सिमाइज करा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, रेफरेंस सॉरी इंसर्ट मेन्यू में आपको देखने को मिलेगा एक लिंक का ऑप्शन, जिसमें आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हाइपरलिंक को हम पढ़ लेते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक जो होता है वो एक अटैचमेंट का काम करता है। जैसे अटैचमेंट का मतलब हो जाएगा, आप अपने करंट डॉक्यूमेंट में किसी अनदर फाइल को भी लिंक करा सकते हो। समझ आया? जैसे यहां से आप क्या करोगे, मैंने मान के चलिए कंट्रोल ओ करके कोई फाइल अपनी ही बनी हुई ओपन कर ली, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने यहां से किसी की फाइल जो रखी हुई थी मैंने वो ओपन कर ली। अब इसमें जो है ये किसकी फाइल है? अभी आपने चेक करा किसकी फाइल थी, ये संजीव की। अब इसमें आप क्या करना चाहते हो, किसी अनदर की फाइल को लिंक कराना चाहते हो, तो आप जाओगे यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पर, इंसर्ट और लिंक। इसमें पहला ऑप्शन है आपका हाइपरलिंक, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के। क्लिक करोगे आप यहाँ से जिसकी भी फाइल आप लिंक कराना चाहते हो करा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ ब्राउज पर जाकर भी जिसकी भी फाइल आपको यहाँ पे ऐड करानी है आप करा सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से जीएसटी असाइनमेंट क्वेश्चंस को यहाँ लिंक करा दिया। जो ये फाइल अभी मैंने खोली हुई है, इस फाइल में मैं जीएसटी का असाइनमेंट क्वेश्चंस को लिंक के तौर पर मैं यहाँ ऐड करा देती हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, एक लिंक बन के आया है। जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके जाते हो तो ये आपको बताता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि इस लिंक को फॉलो करते हुए आप इसे ओपन कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करोगे बताओ भाई, क्या करोगे? कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, बिल्कुल सही। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करती हूँ ये कर्सर आपका हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। दिखाई दे रहा है सभी को? कर्सर जो है आपका हैंड कर्सर में चेंज हो रहा है, और मैं यहां से जैसे ही क्लिक करती हूँ अब आप देख सकते हो कि इसमें ये वाले क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्लियर है? कितने पेजों का है ये? 12 पेजों का एक डेटा है जो मैंने किसमें अटैच करा दिया, आपने इसी वाले डॉक्यूमेंट में अटैच करा दिया। क्लियर है? हाइपरलिंक के माध्यम से हमने क्या किया, तो इसमें हमने पढ़ा कि हम करंट फाइल में हाइपरलिंक की मदद से किसी भी अनदर फाइल को करंट फाइल में अटैच करा सकते हैं। क्लियर है सभी को? एक बार फिर देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो क्या करोगे, इंसर्ट और लिंक पर जाकर अब की बार में किसी एक्सेल की फाइल को कर लेती हूँ। जैसे ये तो आपकी किसकी फाइल है, विनवर्ड की। अब मैं यहाँ से किसी एक्सेल की फाइल को ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से खेकरा एंड भारत कैंडिडेट लिस्ट ले ली, एंड जैसे ही मैं ओके करूंगी अब ये लिस्ट यहाँ पर एक लिंक के थ्रू जुड़ जाएगी, जुड़ गई। अब इसको भी फॉलो करने के लिए बिल्कुल सेम करना है, कंट्रोल और क्लिक। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो तो यहां से आप देख पाओगे कि ये वाला डेटा आपके उस वाली फाइल में क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। क्लियर है सभी को? आप इसे यहां से बंद कराइए, ये लिंक के थ्रू आपका जुड़ा ही रहेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट ऑप्शन चलता है बुकमार्क। देखिए बुक, हाँ दूसरी लिंक अगर खोलना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तभी तो फॉलो होगा। जोन सी पे भी आप क्लिक करोगे, आपने अभी दो फाइलें अटैच कराई है, आपका क्वेश्चन है कि हम कौन सी को ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। आपने अपनी दो फाइलें अभी इसमें इंसर्ट कराई है। देखो इसके एक्सटेंशन नेम में लिखा हुआ है .docx, ये किसका एक्सटेंशन नेम होता है, विनवर्ड का होता है। तो इससे ये पता चलता है ये फाइल किसकी है, विनवर्ड की। इसमें .xls लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फाइल किसकी है,
एक्सेल की, आप जोन से पर भी क्लिक करोगे उसी फाइल को ये ओपन करके दे देगा। एग्जांपल के लिए जैसे यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं ना कि मैंने उस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सेम है, यानी कि लिंक के माध्यम से इस वीडियो में उसने अपनी दूसरी वीडियो को जोड़ के रखा हुआ है। नहीं बात आई समझ में? अब तो क्लियर है सभी को, और कोई डाउट है? नहीं है, चलिए। तो उसके बाद अब यहाँ से देखोगे बुकमार्क। देखो बुकमार्क का होता क्या है, मैं एक इजी सी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको, हालांकि आपको मैं गूगल से समझाती हूँ, सीधे बेसिक और बिल्कुल ही सिंपल वे में समझा देती हूँ। देखो जैसे मान के चलिए आपने यहाँ से किसी फाइल को, किसी भी वेबसाइट का आपको बार बार जरूरत पड़ती है, बार बार आप किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, तो उसमें होगा क्या, आप उसका बुकमार्क बना के रख लीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से लिखा सरकारी रिजल्ट, सबसे ज्यादा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं आजकल, जो भी 12th पास आउट है या भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पे हमेशा अपडेट रहते ही होंगे। तो मैंने मान के चलिए सरकारी रिजल्ट साइट को ओपन किया, अब यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, क्लियर है, ये साइट मुझे अब इतना लेंथी लेके आनी पड़ी, यानी कि पहले मैंने सरकारी रिजल्ट डाला है ना, फिर मैंने एक साइट को ओपन किया, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं इसका बुकमार्क बना दूं। अगर मैं इसका बुकमार्क बना दूंगी तो क्या होगा, ये परमानेंटली बुकमार्क में ऐड हो जाएगा, मुझे इतना लंबा प्रोसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगी और यहाँ पहुंच जाऊंगी। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसका मैं बुकमार्क बना देती हूँ, चाहे तो आप अपने नाम से बना सकते हो या इसी नाम से भी रहने दे सकते हो। मैंने डन किया तो ये बुकमार्क बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान के चलो आप यहाँ से बुकमार्क जो आपके बने हुए हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जैसे आपको हमारे ही साइट पर जाना है, अपने इंस्टीट्यूट की साइट पर जाना है, LBSATI की साइट पर जाना है, तो यहाँ बुकमार्क बना हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको बुकमार्क देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे ओपन भी करना चाहते हैं तो क्या करोगे, आप काफी लेंथी प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, पहले ढूंढोगे LBSATI को, फिर वहां जाओगे, है ना, तो आप क्या करोगे, इसी तरीके का बुकमार्क बना लोगे। जैसे आप कैसे करोगे, आपने डाला LBS, ठीक है, LBS के बाद क्या डालना है, एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपने ये डाला। अब आप यहाँ से LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर जाओगे होम पर, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आप इस साइट पर पहुंचे हो, आई बात समझ में, ये अपनी वाली वेबसाइट है, यानी कि LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, आपके खुद के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अगर आपको इस पर भी जाना है तो आपने इतना लंबा प्रोसेस यूज करा, लेकिन अगर आप इसका बुकमार्क बना लेते हैं तो क्या होगा, इजीली आप इसे ओपन कर सकते हो। कैसे करोगे, आप यहाँ गए और ये रहा आपका बना हुआ, बताओ समझ आया। जैसे अब मैं इनको बंद करा देती हूँ, तो मैं बंद कैसे कराती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं इसको यहाँ से बंद करा देती हूँ और इसको भी बंद करा देती हूँ। अब मैं बिल्कुल सिंपल टैब पर हूँ, क्लियर है, सिंपल टैब पर होते हुए मुझे वापिस से कहाँ जाना है, अपने LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की साइट पर जाना है, तो मुझे अब वापिस से लिखना नहीं पड़ेगा LBS, तो क्या करूंगी, बुकमार्क बना हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूंगी, तो डायरेक्टली मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, LBSATI की साइट पर पहुंच जाऊंगी। तो दिक्कत यहाँ तक, अब बात आई समझ में, ऐसे ही पहले फाइल खोली थी उसमें भी तो जा सकते हैं, किस फाइल पर, उसपे भी चले जाएंगे, ढूंढ के दिख, अभी दिखाती हूँ, डोंट वरी, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जो आपने अभी अभी बनाया था बुकमार्क वो ये रहा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सकता है टैब वही तो दिखाएगा ये। अब जो पॉसिबल नहीं है, देखो आपकी साइट का जो अभी आपने बुकमार्क बनाया वो इतना लेंथी है कि इस जगह में नहीं आएगा भाई, जो सामने दिख सकता है, जो पहले बनते जाएंगे वो यहाँ ऐड होते जाते हैं आपके। अब जो साइट का आपने बुकमार्क बनाया है इसका देखो लेंथी है ना, अब लेंथी है तो इस वाले में तो जगह ही नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तो ये इधर चला जाएगा। अब आपको सरकारी रिजल्ट पर ही जाना है तो आप यहाँ क्लिक करो, इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट यहाँ जा सकती हो, समझ आया। जैसे कि आपको यहाँ से SSC GD कांस्टेबल पर अप्लाई करना है, अब आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से भी ना होकर जाना हो पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसका भी बुकमार्क बना सकते हो, क्लियर है।
इसी तरीके से आप बुकमार्क का यूज करेंगे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये तो हुई आपके किसकी बात, गूगल की। अब विनवर्ड पर आकर हम वापिस से इसको देखते हैं कि विनवर्ड में ये किस तरीके से काम करता है। तो आप क्या करोगे, विनवर्ड आप यहाँ से ओपन कर लोगे। तो मैं विनवर्ड को ओपन कर रही हूँ। उसके बाद इसमें आप देखोगे, इसमें काफी सारे थे, यहाँ पे था। अब बुकमार्क का मैं यूज कर लेती हूँ। जैसे मान के चलो आपका ये जो डेटा है, मैं इसे वापिस से क्या कर देती हूँ, कॉपी और पेस्ट, काफी सारा हो गया। या इनमें कुछ चेंज कराना है तो आप करा सकते हो। जैसे मान के चलिए ये वाला जो पैराग्राफ है, मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ती है ना, बार बार इसका यूज करना पड़ता है तो मैं भूल जाऊंगी कि कहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, इसका एक बुकमार्क ऐड करा लोगे, ताकि ये एक आइडिया हो जाए कि हमें पता लग जाएगा तुरंत ये कहाँ पर है। इसीलिए तो यूज करा हमने बुकमार्क का, कि इतना लॉन्ग मेथड को सर्च ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े, तो हमने उसका एक हिंट बनाकर रख लिया कि डायरेक्ट यहाँ क्लिक करूं और मैं वहीं पहुंच जाऊं जहां मुझे जाना है। तो बुकमार्क पर जाएंगे आप, यहाँ से सेलेक्ट आपने कर ही लिया कि इस डेटा को मुझे बुकमार्क बनाना है और एड। यहाँ पर आप जाओगे और नाम दे दोगे। जैसे मान के चलो मैंने इसको ASGF का नाम दे दिया, क्लियर है, और मैं इसे एड करा देती हूँ। तो ये आपका बुकमार्क में ऐड हो चुका है, क्लियर है इतना। और ऐसे ही जैसे मान के चलो इस वाली साइट का, इस वाला जो ये वाला जो लिंक है, इसकी भी मुझे बार बार जरूरत पड़ सकती है। अब इतना सारा डाटा हो सकता है कि मान के चलो आपके 100 200 500 पेज का डाटा आप लिख रहे हो, तो आपको वापस इस पर आना है। वैसे तो आप आसानी से आ सकते हो, लेकिन आप बुकमार्क के थ्रू जल्दी आ जाओगे, इजिली पहुंच जाओगे वहां पर, क्लियर है। अब यहां से मैं इसका भी क्या करती हूँ, बुकमार्क ऐड करा देती हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया QWER, बताओ समझ आया इतना। आप कोई भी मैन्युअली नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है। यहां से आपने नाम दे दिया। अब मान के चलो आप बहुत नीचे हो, आप का कर्सर जो है वो बहुत नीचे है, ठीक है। आप यहां से मैंने कंट्रोल, यहां से मैंने वापिस से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। या फिर आप एक और देखिए, आप इक्वल रैंड करते हैं, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ्स को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, इक्वल रैंड ब्रैकेट एंड ओपन एंड क्लोज, यही तो करते हो। नींद आ गई क्या भाई, नहीं ना, जवाब दिया करो, यही करते हो कि नहीं। तो अब इसमें करना क्या है, आप इसमें इस ब्रैकेट में ये डाल सकते हो कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, 20 30 50 100 जितने भी आप चाहो। मैंने यहाँ 50 डाल दिए। अब यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर, 50 पैराग्राफ आ गए आपके। और पेज कितने पहुंच गए, नीचे चेक करिए, 5 पेज हो चुके हैं आपके पास। अब मान के चलो आप सबसे एंड में हो, आपको जरूरत पड़ गई उसी पैराग्राफ की जिसमें आपने बुकमार्क ऐड कराया है। या तो आपको याद होगा या फिर आपने क्या कर रखा है, बुकमार्क। तो हमें सर्च करने की या ढूंढने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमने बुकमार्क ऐड कराया होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, बुकमार्क पर जाओगे, और जोन सा भी आपको करना है आप यहाँ से उस पर क्या कर जाओगे, गो टू। जैसे ही गो टू करोगे कर्सर आपका वही होगा। जैसे ही आपको QWER पे जाना है, क्लिक करिए गो टू, तुरंत आप वहां पहुंच जाओगे। तो इजिली पहुंच गए, समझ आया आपको इतना। ऐसे ही आपका एक ऑप्शन और है इस लिंक के अंदर ही, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में ये चेक कर सकते हो।